एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज इंटरनेट सही से काम नहीं कर पा रहा, इस वजह से बीच में काफ़ी व्यवधान रहा। हम लोग बात कर रहे थे टाइप और ट्रेड थ्योरी की, और ट्रेड थ्योरी की बात में हम लोगों ने बात की थी कैटल और आरपोर्ट की, कि सबसे ज़्यादा जो काम किया ट्रेड थ्योरी के अंदर वो कैटल ने एंड आरपोर्ट ने। और बहुत ज़्यादा नाम जो आता है कैटल से, कैटल के साथ साथ आरपोर्ट का। और हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेड्स क्या है हमारे, कि ट्रेड्स कुछ ऐसे शूल गुण जो कुछ तो हमारे सतह पर रहते हैं जिनको कि हम सरफेस ट्रेड कहते हैं, और कुछ जो हमारे ट्रेड्स हैं वो एक तरीके से जब तक हमारा इंटरेक्शन कई बार ना हो तब तक हमारे सामने नहीं आते। तो आलपोर्ट और जो कैटल ने काम किया उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आलपोर्ट का हम सभी ने सुना कि कार्डिनल डिस्पोजिशन की उन्होंने बात की, और साथ में उन्होंने कहा कि सेंट्रल डिस्पोजिशन की और सेकेंडरी डिस्पोजिशन की। बेसिकली जो आलपोर्ट थे उन्होंने दो तरीके के ट्रेड्स बताए, कॉमन ट्रेड्स और पर्सनल ट्रेड्स। और पर्सनल ट्रेड्स को भी उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल डिस्पोजिशन, कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेकेंडरी डिस्पोजिशन। सेकेंडरी डिस्पोजिशन जिसका कि हमारे दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सेंट्रल डिस्पोजिशन है उसमें जो 10 से 15 ऐसे गुण होते हैं जिनके बीच में हमें सेंट्रल डिस्पोजिशन के बारे में पता लग जाता है, जिसमें हमने बात की थी सामाजिकता की या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन जो हमारा कार्डिनल डिस्पोजिशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कुछ लोगों में ही पाया जाता है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी जो कि शांति और अहिंसा के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। अगर हम लोग कैटल की बात करें तो कैटल ने 18,000 ट्रेड्स के ऊपर काम किया, और उनका एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने 4,500 ट्रेड्स निकाले, और उसका भी एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने 200 इंटर कोरिलेशन जो ट्रेड्स थे, इंटर कोरिलेटेड ट्रेड्स थे, उनके ऊपर काम किया, और इसके बाद में वो 35 ट्रेड्स के ऊपर आ गए। इन 35 ट्रेड्स को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ हमारे सरफेस ट्रेड जैसे हम लोग पहले बात कर चुके कि हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत क्लियर होता है सरफेस ट्रेड में, मतलब दे आर वेरी क्लियर इन नेचर, यानी कि पूरे ऊपरी लेवल पर हैं। और जबकि सोर्स ट्रेड जिनको कि हम सीधे नहीं देख सकते, चाहे वो जब तक हमारी कुछ अंतःक्रियाएं उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में नहीं होंगी तब तक हमें उसके सोर्स ट्रेड्स के बारे में नहीं पता लगता। और उन्होंने कहा कि जो 23 जो हमारे कैटल्स के अनुसार जो है वो 23, यानी कि 35 की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि जो 23 है दैट आर सोर्स ट्रेड। और उन्होंने कहा कि जो 23 जो ट्रेड्स हैं उसमें भी जो 16 ट्रेड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं 16 ट्रेड्स के ऊपर कैटल ने अपना 16 PF दिया था, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। लेकिन कैटल को भी क्रिटिसाइज किया गया कि जो आपका कैटल के बारे में कहा गया कि एनालिटिकल वे में हम होल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते इसका, और हम इन 16 जो उन्होंने एक तरीके से सोर्स ट्रेड्स की बात की वो कह रहे हैं कि इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये कैटल का क्रिटिसिज्म था। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, या जो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनका असर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर पड़ता है, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है वो कौन से ऐसे फैक्टर से मिलकर डेवलप होती है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सीधा सीधा असर हम अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से कार्य किया, और काम करने के बाद उन्होंने कहा कि दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट आर पर्सनैलिटी, और ये दो जो दो ये फैक्टर थे वो थे बायोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में वो बात करते हैं कि जो हमारी फिजीक है, जो हमारा तरीके से जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो बायोलॉजिकल फैक्टर में आएगा। इसके साथ में जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है, और साथ में उन्होंने कहा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका असर भी हमारा हमारे पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर या हेरिडिटी की बात करते हैं जिसमें कि हम फिजिक और फिजिकल हेल्थ को लेकर बात करें, तो मान लीजिए कि हमारा जो फिजिक है वो थोड़ा सा नॉर्मल ना हो तब भी हमारे ऊपर इसका असर पड़ता है, चाहे वो हमारी हाइट को लेकर हो या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम ना
मतलब जैसे कि कोई चीज़ हमारी डेविएटेड फॉर्म में हम दिख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमारी अगर हड्डियों का ही डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ और हमारे पैर थोड़े से टेढ़े से दिखाई दें, तब भी हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। मान लीजिए कि हमारी हाइट ही प्रॉपर नहीं हो पाई, तब भी हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। या समय से पहले बहुत ज़्यादा हाइट का हो जाना, आजकल के बच्चे आपने देखे हैं कि उनका जिनका डाइट अच्छी होती है वो 12 साल में ही उनकी हाइट एकदम से अच्छी निकल जाती है, लेकिन बच्चे इसमें भी हेजिटेट करते हैं कि नहीं मैं इतना लंबा हो चुका हूँ, मैं इतनी लंबी हो चुकी हूँ और मैं क्लास में सबसे बड़ी दिख रही हूँ, तो ये बच्चे थोड़े से आइसोलेशन में चले जाते हैं सर। तो जो हमारा फिजिक है, अच्छी हाइट होना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन समय से पहले हो जाना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट करता है। और इसी का वाइस वर्सा क्या है आपका, कि जो हमारी हाइट कम रह गई तो उसका भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर, कि हमारी हाइट होनी चाहिए थी इतनी नॉर्मल हाइट, लेकिन हम नॉर्मल हाइट तक अपने नहीं पहुँच सके। और ऐसा ही हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, कभी कभी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की कमी की वजह से या हमारा जो खान पान है वो सही ना होने की वजह से जो हमारी ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और इसी वजह से जो हमारे एक इम्यूनिटी है वो भी ब्रेक होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जल्दी जल्दी बीमार हम लोग पड़ जाते हैं अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ना हो। अगर बॉडी में हमारी इम्यूनिटी नहीं है और बार बार जो हमें इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी जो बच्चा है या बच्चा जो बड़ा जो भी है उसके ऊपर इस इन बातों का असर पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक सोसाइटी में एडजस्ट करने में उसे दिक्कत आती है। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हम सभी को पता है कि हमारे अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज़ मास्टर ग्लैंड, और इसका असर हमारे बाकी ग्लैंड्स के ऊपर भी पड़ता है। और जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं उनका होना न होना, कितना सिक्रीट होना, हर चीज़ एक बैलेंस्ड फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर है। मान लीजिए कि हमारी पिट्यूटरी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगे, और दूसरा ये हो सकता है कि हमारी पिट्यूटरी बिल्कुल भी काम ना करे, तब भी दिक्कत है। एक्सेस होना और एक तरीके से उसका बहुत कम होना, दोनों तरफ से दिक्कत। इसके बाद में जो हमारी दूसरी ग्लैंड्स हैं, अगर हम लोग बात करें थायराइड ग्लैंड की, कि भाई हमारे अंदर जो है थायरेक्सिन ज़्यादा हो गया तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, अगर हमारे अंदर जो है वो थायरेक्सिन कम हो गया तब हमें कौन सी दूसरी दिक्कत हुई, जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है उनका सिक्रीशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारा जो पेनक्रियाज है उसका सिक्रीशन प्रॉपर है कि नहीं है, हमारी जो सेक्स ग्लैंड्स हैं उनका जो टेस्टोस्टेरोन है या जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो किस समय सिक्रीट हो रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो एक तरीके से सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनसे, तो उनकी वजह से भी कभी कभी ये देखा गया है कि उनका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन या कम सिक्रीशन, उसकी वजह से भी पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड ऑफ एनी इंडिविजुअल। ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम है, मान लीजिए कि हमारा जो है जब हमारी बर्थ हो रही थी तब हमारे नर्वस सिस्टम में जो ऑक्सीजन कम गई, या फिर कुछ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन हुआ जिसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ा, या हमारा नर्वस सिस्टम ही सही से काम नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे जो हमारी फिजिक है, जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, या जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, या लास्टली हम कहें हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अगर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, तो दोनों का ही असर हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर पड़ता है। ऐसा ही दूसरा जो फैक्टर्स है, जिसे हमने कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी इननेट हैं और कुछ हमारी एक्वायर्ड हैं, कुछ तो हमारे साथ जन्म के साथ में आ गई और कुछ हमारे साथ में क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट से उसको लेते हैं, और जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है हम कहीं ना कहीं वैसे बनते जाते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो एक सोशल फैक्टर इसमें आएगा, और दूसरा इसमें हम शामिल कर सकते हैं कल्चरल फैक्टर, और तीसरा इसमें हम शामिल कर सकते हैं हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम सोशल फैक्टर की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग अपने घर से कर सकते हैं, कि मदर फादर कैसे हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है, क्या वो बहुत एग्रेसिव नेचर के तो नहीं हैं, या बहुत टेंशन में रहने वाले तो नहीं हैं, या बहुत सैडिस्टिक मोड के तो नहीं हैं। अगर ऐसी चीज़ें मदर फादर में देखी जाती हैं तो इनका ट्रांसमिशन भी बच्चों में होता है, ऐसा पाया गया है, और ऐसा शोध कहते हैं, जो शोध की फाइंडिंग आई है उन्होंने ऐसा बताया कि सीधा असर माँ बाप के जो रिलेशनशिप का है उसका असर बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ता है।
अब हम फैमिली से थोड़ा सा और ऊपर उठें कि फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं मदर फादर के अलावा, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसी है, उसका असर भी बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अब हम थोड़ा फैमिली से बाहर निकलने की कोशिश करें कि हमारा आस पड़ोस यानी कि नेबरहुड कैसा है, उसका असर भी जो बालक है उसके ऊपर देखा गया है कि अगर रिलेशनशिप बेहतर है तो बच्चे की पर्सनैलिटी पॉजिटिव, अगर रिलेशनशिप में कुछ डिस्प्यूट है तो बच्ची में कुछ निगेटिविटी या कुछ निगेटिव आस्पेक्ट देखने को मिलते हैं बड़े होने के बाद में। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि जो हमारा नेबरहुड, और नेबरहुड के अंदर भी जो नेबरहुड है उसके अंदर ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग उसमें बहुत मतलब समझ लीजिए कि किसी को चोरी करने की आदत है और बच्चा इस तरीके से बार बार देख रहा है तो हो सकता है कि इसका असर उसके ऊपर गलत तरीके से पड़ जाए। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो हमारा बर्थ ऑर्डर है उसका असर भी हमारी पर्सनैलिटी पर देखा गया है। ऐसा पाया गया कि जो बच्चा फर्स्ट बर्थ ऑर्डर का है उसका अचीवमेंट लेवल थोड़ा सा हाई रहता है और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो मिडिल बर्थ ऑर्डर का बच्चा है वो एफेक्शनेट तो बहुत है लेकिन कभी कभी वो कन्फ्यूज़न में भी रहता है। ये जो हमारी रिसर्चेज हुई हैं उनके जो रिजल्ट हैं वो शो करते हैं। और जो सबसे लास्ट ऑर्डर का बच्चा है या थर्ड ऑर्डर का बच्चा है या अपने घर में सबसे छोटा है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है और कुछ रेवलेंट जो नेचर है वो भी देखा गया है जो लास्ट ऑर्डर का बच्चा है। तो यानी कि कई सारे जो सोशल फैक्टर हैं उनका असर हमारे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर पड़ता है। और अगर इनका असर पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये असर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। और एक चीज़ और भी हम शामिल कर सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर कि जो सोशल एक्सेप्टेंस है, हर एज ग्रुप की अपनी एक सोशल एक्सेप्टेंस है कि अगर बच्चा 8 ईयर्स का है तो वो अपने अपने ग्रुप में रहना पसंद करेगा, बच्चा 12 ईयर्स का है तो वो थोड़ा उसका अपोजिट ग्रुप में रहना पसंद करता है, और साथ में चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो हर किसी के अंदर एक छोटी सी फीलिंग होती है एक सोशली एक्सेप्टेंस की कि उसको सोशली एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब बच्चों से दूसरे ग्रुप के बच्चे या उस ग्रुप के बच्चे बात नहीं करते तब भी बच्चा जो है वो आइसोलेट होकर एक तरीके से इंट्रोवर्ट की तरफ चल जाता है। इसी तरीके से कल्चरल फैक्टर का असर कि हमारी कल्चर जैसी होगी वैसा ही हमारा एक व्यक्तित्व बनता है। इसी तरीके से जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसका असर भी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। कभी कभी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी और पैसे की बहुत ज़्यादा अधिकता, इन दोनों का ही असर व्यक्तित्व के ऊपर नकारात्मक रूप में पड़ता है। पैसे की बहुत ज़्यादा कमी यानी कि हर समय हम पैसे की कमी से कुछ काम नहीं कर पा रहे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी व्यक्तित्व पर पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है उसका भी बहुत नकारात्मक प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर देखा गया है। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, और कैसे वो निकल कर आती है पर्सनैलिटी उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। ये तो सारी चीज़ें थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है और कैसे सोशल जो आस्पेक्ट है उसका असर पड़ा, कैसे कल्चरल आस्पेक्ट फ़र्क पड़ा, कैसे इकोनॉमी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे कि जो व्यक्तित्व है वो सही रूप से निखर कर आए। अगर हम लोग आज की परिस्थिति की बात करें तो अगर इस परिस्थिति में हम अपने बैलेंस डाइट नहीं लेते, अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं होता या बैलेंस डाइट के साथ साथ हम ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका असर जो एक जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं जो भी डाइट हम ले रहे हैं उसके अंदर कितने न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं, और साथ में हमारा जो इंटरेक्शन है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में वो कैसा है, यानी कि ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इंटरेक्शन बना के रखें, और साथ साथ जो हमारी पर्सनल हाइजीनिसिटी है उसका असर भी हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। सो दीज आर फोर फैक्टर्स विच आर टू मच इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना फेज, क्योंकि अगर इस कोरोना फेज में बहुत जल्दी हम लोग इससे बाहर निकल आएंगे, लेकिन कोरोना का जो पॉजिटिव इफेक्ट ये रहा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की अभी तक अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन इस कोरोना का पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि अब हमें अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना
बहुत ज़रूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि हम बैलेंस्ड फॉर्म में रहें, हम ये चाहते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करें, और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अभावग्रस्त ना हो, तनावग्रस्त ना हो, दबावग्रस्त ना हो, तो हमें इन चार चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी लाइफ स्टाइल यानी कि हमारे सोने और जगने का वक्त क्या है, क्या हम उसमें कुछ एक्सरसाइजेज, योग या जो भी हमें पसंद है, चाहे वो म्यूज़िक पसंद है, उसको अपने लाइफ स्टाइल में हमने शामिल किया है कि नहीं किया है, और हमारी डाइट जो हम ले रहे हैं उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, तो ऐसी हम डाइट लें, और साथ में एक प्रॉपर इंटरेक्शन हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहे, और किसी भी साबुन से हम अपने हाथ जो है वो बार बार जरूर से धोएं, और घर से बाहर निकलें तो हम मास्क लगाकर निकलें। इससे फ़ायदा ये होना है कि जहाँ पर हमारा एक पर्सनैलिटी फिजिकली अच्छी दिखाई देगी, वही हमारी जो पर्सनैलिटी जिसमें कि जो वो जो मेंटल चीज़ें हमारे अंदर हैं, जो हमारा एक तरीके से इंटेलेक्चुअल एक पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, वो भी बहुत फिट रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सनैलिटी की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, पर्सनैलिटी के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जिसका असर हमारे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर पड़ता है, और आज की आवश्यकता के अनुसार हम कौन से ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी और अच्छे से निकल कर आए। एक टीचर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि सिर्फ हम अपने घर के लोगों का ध्यान ही ना रखें, बल्कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनका व्यक्तित्व भी कैसे बैलेंस रहेगा, इसका ध्यान भी एक शिक्षक को रखना है। अगर हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो हमें साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चों ने जो है वो आज हमने बच्चे का मतलब वीडियो ही ऑन नहीं कराया और अपनी पूरी बात उसके ऊपर रख दी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें अपने विद्यार्थियों के का भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस स्पेशली इस समय कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर से डाल रही है कि जिसका असर उसके एक तरीके से जो उसकी स्टडी हैबिट है उसको डेविएट करने पे पड़ रहा है, या वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो हम अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा चेयरफुल रहें। उन ऐसा नहीं है कि तुरंत हम टॉपिक पर ही आएँ, बल्कि हम उनसे उनकी हेल्थ के बारे में भी बात करें और एक चीयरफुल मैनर में अपना लेसन स्टार्ट करें, तो जो एक मेंटल आस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, दैट विल बी बेनिफिटेड। और जब हम किसी चीज़ में लगातार काम करते हैं तो जो हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो अपने आप ही अच्छी होती है। और चीज़ों में लग के रहना और एक अपना गोल डिसाइड करना और कैसे उस गोल को हमें अचीव करना है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, तो ये हमें फिज़िकली भी फिट करती हैं और ये हमें मेंटली भी फिट करती हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं कि अब हमारी जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ बैलेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, इट्स नेचर एंड डेवलपमेंट। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें हमारे जो साथी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हुए उन सभी को नमस्कार।